होने के इस बुलेट टीम में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी निपा वायरस को लेकर जमशेदपुर में हाई अलर्ट। भाभी को देवर की कपड़ा देर से देना पड़ा महंगा, देवर ने की भाभी की जमकर पिटाई। मई को राष्ट्रीय मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देंगे आंगनबाड़ी कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ। और शहर में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, दो दिवसीय प्रतियोगिता में 6 राज्य के 190 प्रतिभागी करेंगे शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी निपा वायरस को लेकर जमशेदपुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जयंती सरोवर के टापू में स्थित चमगादड़ पार्क पर निगरानी रखी जा रही है। जयंती सरोवर वोटिंग करने वाले लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे टापू के नजदीक नहीं जाए और सरोवर के पानी को नहीं पिए। जमशेदपुर सबसे अधिक चमगादड़ यहाँ है। टाटा जू परिसर चमगादड़ पार्क की ओर से निपा वायरस से बचने के लिए लोगों के लिए जागरूकता पोस्टर लगाया गया है। लोगों का आह्वान किया गया कि आधा खाए हुए फल या सब्जी को हाथ न लगाए और खाए भी नहीं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला सर्वेलेंस कार्यालय की ओर से जू प्रबंधक को निपा वायरस को लेकर पोस्टर लगाने को कहा गया है। निपा वायरस का प्रकोप तो नहीं है, बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है। सर्वेलेंस कार्यालय के निर्देश पर जयंती सरोवर पर दिशा निर्देश लगाया गया है। सर्वेलेंस ऑफिसर की तरफ से उन्होंने कहा है कि निपा जो केरला में फैल चुका है उसके तहत जो जो सावधानियां यहां पे लेना है उसका उन्होंने एक दो वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि इसका अवेयरनेस हम लोगों के पास करें जिससे कि लोग सतर्क हो जाएं और ये बीमारी उनको ना छू पाए। तो उसमें मेन जो उन्होंने हम लोगों को कहा गया है कि भाई जयंती सरोवर के बीच जो चमगादड़ का टापू है वहाँ पे लोग ना जाएं और साथ साथ चमगादड़ों का अगर कोई फल या कोई भी पशु पक्षी का फल अगर चिड़ियाघर में पड़ा मिलता है तो उसको ना उठाएं ना सेवन करें। इसके अलावा सर्विलांस विभाग की ओर से स्टेशन पर भी जागरूकता पोस्टर लगाया गया है। स्टेशन पर केरल से आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। विभाग ने अस्पतालों को भी निर्देश दिया है कि वे वार्ड तैयार रखें ताकि निपा वायरस के लक्षण पाए जाने पर लोगों को वहां रखकर इलाज किया जा सके। चिबली पार्क स्थित जयंती सरोवर के बीचों बीच एक एकड़ इलाके में फैला टापू पर चमगादड़ों का आशियाना है। यहाँ के चमगादड़ काफी बड़े हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर और वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक है। चमगादड़ों से फैले निपा वायरस से केरल में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस को लेकर झारखंड भी हाई अलर्ट पर है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि झारखंड के किसी अस्पताल में भी यह वायरस से होने वाली बीमारी की जांच तक की व्यवस्था नहीं है। इसके उपाय आधा खाए हुए फल या आधा सब्जी को ना खाए। कई तरह के वायरल इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, इस तरह का एक वायरल, ये वायरस जनित रोग है जिसमें जो है इंसेफलाइटिस मतलब मस्तिष्क ज्वर कह सकते हैं और ब्रेन का सूजन हो जाता है। ये वस्तुतः जो है निफा वायरस जो है बैट में जो चमगादड़ है इसमें कैरियर के रूप में रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में जितने बैट मिलेंगे, फ्रूट बैट मिलेंगे, उसमें सब में जो है निफा वायरस हो, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन चूंकि केरल में भी मिला है और इसको लिंक किया गया है, जितने भी डेथ हुए हैं उसका पोस्टमार्टम से और जो सैंपल आया है उसमें ये उजागर हुआ कि वो निफा वायरस है और निफा वायरस उसमें जितने लोग को इन्फेक्शन हुआ उसमें अधिकतर लोगों में पाया गया कि उन्होंने जो है वो ताड़ का जो रस होता है, खजूर या पाम का रस है, उसको जो है कंज्यूम किया था। होता क्या है कि चमगादड़ के शरीर में ये वायरस फैलता है और उसके द्वारा उसका मल में, उसका यूरिन में, उसका सलाइवा में, इवन उसका सीमेन में भी ये वायरस जो है रिलीज होता है। जब ये उस तरह का फल का सेवन करेगा तो लार से उस फल में चल जाएगा, अगर ताड़ का रस में भी उसने पिया तो उसमें चल जाएगा और पेशाब पैखाना भी अगर उसमें करेगा तो इस तरह से वो छुआछूत वाला हो जाता है कि जैसे ही वो चीज़ गया उस फल में या कोई ऐसा पदार्थ में या पेड़ में, जस्ट उसका यूरिन लग गया या पैखाना लग गया, आपने छू लिया, फिर अपने मुँह में डाल दिया, आँख में डाल दिया, ठीक है, तो वो कंजक्टिवा के थ्रू, सलाइवा के थ्रू आपके शरीर में चल गया, फिर वायरस अपना खेल दिखाना शुरू कर देगा।
तो ये इसमें अभी तक रोग का इलाज नहीं हो पाया है, जो सही कारगर इलाज नहीं हो पाया, इसीलिए खतरनाक है। और इसमें रोकथाम ही सबसे बड़ा चीज होगा कि पब्लिक को आप अवेयर करें कि इस तरह का चीज से आप दूर रहें। कोवाली थाना के गोमिया शाह के रहने वाले जन्नी सरदार के देवर शंभू सरदार ने कपड़े नहीं देने पर जमकर पिटाई कर दी और शंभू पिटाई के बाद घर से फरार हो गया। देवर भाभी के रिश्ते एक तरफ हंसी मजाक के होते हैं तो दूसरी तरफ माँ और बेटे का होता है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के कोवाली थाना के गोमिया शहर के रहने वाली जनी सरदार नामक भाभी की उसके देवर शंभू सरदार ने अपनी भाभी की जमकर पिटाई कर डाली। यह पिटाई शंभू ने उस वक्त किया जब शंभू ने अपनी भाभी से अपने कपड़े पहनने के लिए मांगा था और उसकी भाभी ने कपड़े देने पर शंभू को थोड़ा देर कर दिया, जिसके बाद क्या था कि शंभू का गुस्सा उसके भाभी जन्नी पर टूट पड़ा, जमकर पिटाई कर दी। ऐसी वैसी पिटाई नहीं बल्कि गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका बाद जन्नी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ शंभू की भाभी जन्नी का इलाज चल रहा है। की चीज से मारा हैं? क्या चीज से मारा? और डंडा से। डंडा से क्या नाम है आपका देवर का? मेरा देवर का शंभू। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के द्वारा भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आगामी 30 मई से राज्य के मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। अपनी लंबित मांगों के संबंध में इनके द्वारा यह धरना दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व में भी कई बार एक आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग, साथ ही अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना तथा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के खिलाफ इनके द्वारा एक बार फिर आंदोलन का रुख अपनाया जा रहा है। इस बार इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के जमशेदपुर स्थित आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इनके अनुसार जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी उनका ये धरना जारी रहेगा। अभी हम लोग आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सभी आंगनवाड़ी की जितनी भी सेविकाएं हैं प्रदेश स्तर पे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर रहे हैं 30/5/18 को, क्योंकि आंगनवाड़ी के ज्वलंत तो समस्याओं को हम लोग बहुत बार दिए लेकिन कुछ हम लोग की ओर ध्यान नहीं दिए, तो इसीलिए हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए और भी समस्याओं को लेकर 30 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे। जमशेदपुर ठाकुर मंगल सिंह अखाड़ा के द्वारा राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार से हुई है, जिसमें 6 राज्यों से 190 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। गौरतलब हो कि यह अखाड़ा 70 वर्ष से भी अधिक पुराना है और यहां देश के सुप्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय दारा सिंह भी कुश्ती लड़ चुके हैं। लगातार प्रत्येक वर्ष यहां राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार 2 दिवसीय तक चलने वाली कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार से हुई है। दिल्ली, बेंगलोर, मुगलसराय, हरियाणा तथा झारखंड के सभी जिलों से कुल 190 प्रतिभागी यहां अपनी ताकत का लोहा मनवाने पहुंचते हैं। रेट को 2 अंक प्राप्त हुआ है, गुरु अपने आप को बचाते हुए बहुत ही अच्छी दंगल छोटी का बल लगाते हुए, लेकिन फिर से 2 अंक का रेड को सरगी ब्रिज मंगल सिंह जी का पुण्यतिथि में 2 दिवसीय कुश्ती का आयोजन किया गया है। जैसे कि सब जानते हैं कि वो प्रसिद्ध पहलवान थे भारतवर्ष के, ब्रिज मंगल सिंह, उन्हीं के याद में हम लोग ये कुश्ती का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हर जिला और स्टेट के और सभी बड़े बड़े नामी पहलवान कॉमनवेल्थ गेम के और भारत के श्री सभी तो इसमें शिरकत कर रहे हैं। टोटल 190 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। ये हर साल होती है कि पहले बार? ये हर साल होती है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में घोटाले में अब तक जांच नहीं किए जाने के विरोध में कॉलेज छात्र संघ ने शुक्रवार को प्रचार कक्ष के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया, साथ ही त्वरित रूप से जांच कर इसके खुलासे की मांग की है। हालांकि पूर्व में भी इनके द्वारा घोटालों की जांच की मांग पर प्रदर्शन किया गया था और कॉलेज में जांच टीम भी पहुंची, लेकिन उसका कोई निष्पक्ष नहीं निकला, जिसके खिलाफ शुक्रवार को कॉलेज छात्र संघ के द्वारा कॉलेज में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इनके अनुसार कॉलेज प्रबंधक और विश्वविद्यालय प्रबंधक घोटालों के मामले में जबरन चुप्पी साधी हुई है और दूसरी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसे छात्र संघ बर्दाश्त नहीं करेगी। घोटाला
पीजी बिल्डिंग घोटाला, कंप्यूटर लैब घोटाला का मांग चल रहा है कि उस पर जाँच हो। बहुत बार मांग करने के बाद कुल्हान विश्वविद्यालय कुछ समय पहले एक जांच की टीम को भेजा था, उन्होंने बहुत सारे साक्ष्य जमा किए थे। जमा करने के बाद कहा गया था कि इस पर FIR किया जाएगा, एक हफ्ता के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, फिर जाकर दोबारा पुतला दहन के बाद कहा गया कि 3 दिन के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ लापरवाही और लापरवाही दिख रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि निष्पक्ष जाँच करे, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन और बड़ा होगा, आंदोलन और उग्र होगा, सब कॉलेज में फैलेगा। आज क्या किया? मेरा नाम कमल अग्रवाल है, मैं अध्यक्ष हूँ छात्र संघ का जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से। आज क्या किया आपने? आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, 2 घंटा धरना दिए हैं और अपनी मांगों को दोबारा रखें कि निष्पक्ष जाँच और जल्द जाँच पूरा करें, जाँच में किसी प्रकार की लापरवाही अगर हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों वक्त से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर एस के तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। फोन 0657-243-8616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद अगर फिर से आपका स्वागत है। एटक जमशेदपुर जिला कमेटी के तत्वाधान में जमशेदपुर की टाटा मोटर्स कंपनी तथा उसके सहयोगी कंपनियों में कार्यरत बाइसिक्स एवं ठेका कर्मियों के समस्याओं के निदान की मांग को लेकर उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया गया, साथ ही जल्द इसके समाधान की मांग भी उठाई गई है। इस दौरान इनके द्वारा जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर एटक के जिला सचिव ने कहा कि टाटा मोटर्स उनके सहयोगी कंपनियों में कार्य कर अस्थायी मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स कंपनी में अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे 26 कर्मचारियों के आश्रितों को मेडिकल की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, इसे अविलंब चालू किया जाना चाहिए। साथ ही कंपनी में कार्य कर रहे ठेका कर्मियों को भी ठेकेदारियों तथा ESI के तहत चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना चाहिए। वही कंपनियों में कार्य कर रहे महिलाओं के लिए अलग सेवा शुरू किए जाने की तथा PF को सही तरीके जमा कराए जाने की मांग इनके द्वारा उप श्रमायुक्त के समक्ष उठाई गई है। मजदूर यूनियन के द्वारा मुख्यतः 5 मांगों को लेकर के आज उप श्रमायुक्त कार्यालय के पास हम लोग ज्ञापन टाटा मोटर के खिलाफ में दे रहे हैं। 26 मजदूरों के पूरे परिवार को मेडिकल की सुविधा दिया जाए, ठेका मजदूरों के ऊपर में जो भयंकर शोषण हो रहा है, इन तमाम ठेकेदारों के द्वारा नहीं पेमेंट स्लिप ठेका मजदूरों को दिया जाता है, नहीं सुरक्षा का साधन दिया जाता है, और इस पर जो मांग करता है ठेका मजदूर उसको धड़ल्ले से नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। तो इस तरह से एक भयमुख भय का वातावरण बना करके टाटा मोटर के अंदर ठेका मजदूरों पर शोषण किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज हम लोग यह ज्ञापन दे रहे हैं। साथ साथ यजाकी के महिला मजदूर काफ़ी संख्या में है, हम लोग मांग किए हैं कि उन महिला मजदूरों के लिए बस की सेवा दिया जाए, बस की सुविधा दिया जाए। सबसे भयंकर चीज़ है कि 26 दिन हाजिरी, 26 दिन काम करा करके और मजदूरों का 18 दिन का PF टाटा मोटर के ठेकेदारों द्वारा जमा किया जा रहा है। ये भयंकर शोषण मजदूरों पर है, इसको लेकर के हम लोगों ने मांग किया है उप श्रमायुक्त महोदय से कि आप जल्द से जल्द जाँच करा करके और इस पर निष्पक्ष निर्णय करें।
जमशेदपुर सिद्धगढ़ थाना क्षेत्र बागुनातू बस्ती तथा सूर्य मंदिर परिसर के बीच पड़ी बड़े भूखड़ में पावर प्लांट के फ्लाई एश को खुले में अवैध तरीके से गिराए जाने का विरोध झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। इस नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश कमेटी के नेता आनंद भैया दुबे ने किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि पूर्व में इस क्षेत्र में स्लैग की डिपिंग कराई जाती है और बाद में उसे हटाया गया, लेकिन अब इस भूखंड में फ्लाई एश को अवैध तरीके से खुले में गिराया जा रहा है, जिससे यहाँ बीमारी का खतरा बढ़ते जा रहा है। इन्होंने कहा कि इसके आसपास इलाके में बड़ी बड़ी बस्तियां हैं और ये फ्लाई एश इस पूरे बस्ती इलाके के हवा के साथ फैल रही है, जिससे न केवल पर्यावरण दूषित हो रहा है बल्कि सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी भी फैलने का खतरा बढ़ते जा रहा है। जिले के उपायुक्त के समक्ष इनकी मांग उठाई गई है कि इस मामले में प्रशासन हस्तक्षेप करे और क्षेत्र में इस अवैध डिपिंग को बंद कराए। वहाँ बागुनहातू चौक पर उनके सूर्य मंदिर के आगे जो स्लैग डंपिंग होती थी, जिससे हजारों परिवारों का जीवन यापन चलता था, वो विधानसभा की कमेटी गठित करवा करके बंद करा दिया। और आज उसी जगह पर टाटा पावर का फ्लाई एश गिर रहा है, जो फ्लाई एश अति सूक्ष्म एश है, जिसके द्वारा जिसको पर्यावरण विभाग ने आज प्रदूषण के लिए हानिकारक घोषित किया हुआ है। आज उसके चलते सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी फैलती है, जो फेफड़े में छेद होता है और आदमी का जान नहीं बचता। वो डस्ट आज पिछले 3-4 महीने से लगातार वहां पर गिराया जा रहा है। तो उस फ्लाई एश के चलते अगल बगल घनी बस्तियां हैं जिनमें महामारी जैसी बीमारी फैल सकती है, लोगों के पानी का लेवल खराब हो रहा है। आज हम लोग यही बात करने आए हैं कि लोगों में आक्रोश है, आप इमीडिएट इस पर रोक लगाइए, अन्यथा बस्ती वाले खुद उतर करके गाड़ी को रोकेंगे और उससे जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के तत्वाधान में विस्टुप स्थित चैम्बर भवन में 2 दिवसीय ट्रेड लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम समिति द्वारा लघु व्यवसाय को व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस प्रदान की जा रही है। वैसे जमशेदपुर शहर में लघु व्यापारियों की संख्या ज्यादा है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में मौजूद लोगों के द्वारा व्यापारी को इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। कैंप के संचालक के अनुसार ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने से कोई भी व्यापारी व्यापार करने के लिए सरकारी तौर पर अधिकृत हो सकती है और बिना किसी परेशानी का वह खुद अपना व्यवसाय कर सकता है। काम कर रहे हैं ये उनके लड़के लोग हैं जो लोग घर घर जा करके टैक्स कलेक्ट करते हैं, नॉट ओनली ट्रेड लाइसेंस होल्डिंग टैक्स भी ये लोग कलेक्ट करते हैं। और नगर निगम की तरफ से ये प्रयास रहा है सारे जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों को लाभ प्रदान करने के लिए कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ करके अपना ट्रेड लाइसेंस जल्दी से जल्दी बनवा लें, क्योंकि ये नगर निगम का अधिनियम के तहत आता है। कल भी रहेगा, इस कैंप में आ करके अपना ट्रेड लाइसेंस जितना जल्दी हो सके बनवा लें, क्योंकि आपका जिस तरीके का बिजनेस है, जो भी नेचर का बिजनेस है, ये सारा चीज़ आपके पास एक अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र मिल जाता है और आप ऑथराइज हो जाते हैं नगर निगम की तरफ से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। झारखंड मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों सरकारी पद पर स्वीकृत नियुक्ति को लेकर जारी किए गए कार्यपालक का आदेश का जमशेदपुर सिख समाज ने विरोध जताया है। साथ ही इसे वापस ले जाने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई है। गौरतलब हो कि केवल जमशेदपुर शहर में बड़ी संख्या में सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल गुरु द्वारा कमेटियों द्वारा संचालित की जाती है और यहां इनकी नियुक्ति शैक्षणिक कार्यों के लिए की जाती है। उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा ही की जाती है, लेकिन मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब इस प्रक्रिया पर गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी का नहीं बल्कि जिले के उपायुक्त का होगा और इसका विरोध सिख समाज के द्वारा किया जा रहा है। इनके अनुसार गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी पूर्व से सरकारी विभाग द्वारा तय मानक के अनुसार साथ ही साथ अल्पसंख्यक स्कूलों में दिए जाने वाले शिक्षक के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करती है, जिस पर प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उन्होंने यहाँ के उपायुक्त को, यहाँ नहीं सारे जिले को ये आदेश दिया कि जो अल्पसंख्यक स्कूल है, माइनॉरिटी स्कूल, उनमें कि डीसी के माध्यम से, जब तक डीसी चाहेंगे तभी नियुक्ति होगी। मतलब आने वाले समय में वो हमारे गुरुद्वारा कमेटी जो स्कूलों को रन कर रही है, जो चला रही है, उनसे अधिकार छीना जा रहा है। कल को आप कहिएगा गुरुद्वारा बंद कर दीजिए, कल को आप कहिए गुरुद्वारे का स्कूल बंद कर दीजिए, हमारा अधिकार, हम ये कहना चाहते हैं सिखों में भी एक हमारी जातियाँ होती हैं, उसमें अगर आप हमें अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, किस आधार पर हमारे अधिकार छीन रहे हैं? हमारे बीच में अल्पसंख्यक स्कूल जब है, तमाम जगह बर्मा मैस हो गया, साक्षी हो गया, तमाम जगह पे स्कूल है। हम यही मांग करते हैं
हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के को ये पत्र दिया डीसी के माध्यम से दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री को कि हमारी बात को सुना जाए और हमें अधिकार दिया जाए। ऐसे नहीं कि कोई तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाए और अल्पसंख्यक स्कूल के लिए, पहले उनकी बात को समझा जाए, सुना जाए कि क्या चीज है, किस व्यवस्था में कैसे होता है। आप बिना किसी को जाति प्रमाण पत्र दिए आप उसके ऊपर कैसे कह सकते हैं कि आप उस चीज को दे दीजिए? आप किसी के अधिकार कहना नहीं कर सकते, किसी का अधिकार नहीं छीन सकते। सिख समाज आया उपायुक्त महोदय को ये ज्ञापन देने और हम बहुत जल्द इस चीज को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ पर अंकुश लगाने की मांग भाजपा सोनारी प्रतिनिधियों द्वारा जिला पुलिस कप्तान के समक्ष उठाई गई है। इन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल निशान खड़ा किया है। विगत दिनों सोनारी थाना क्षेत्र के कागल नगर बाजार इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। यह फायरिंग दो बस्तियों के बीच की लड़ाई का नतीजा था। इस घटना में दो लोगों को गोली लगने से घायल हो गया है। वहीं निर्मल नगर क्षेत्र में चाकू मारकर एक युवक की हत्या की जाती है। वहीं तीसरी घटना 24 मई को घटित हुई, जहां एक युवक पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इन आपराधिक घटनाओं से क्षेत्र के लोग दहशत में है। भाजपा सोनारी मंडल के प्रतिनिधियों ने इस तरह के अपराध पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र में जो भी पेट्रोलिंग वाहन घूमते हैं वह केवल दिखावा है। वाहन में मौजूद पुलिस जवान वाहन से नीचे उतरते ही नहीं है। ऐसे में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं होगा। घट रही है, हत्या किसी की हो ये बहुत महत्व नहीं है, लेकिन लोग में जो भय का स्थिति बन रहा है, आम जनजीवन में जो भय का स्थिति है, खुलेआम अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि हथियार लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं और जहां भी पा रहे हैं वहां पर हत्याएं हो रही है। इन्हीं सब के बारे में हम लोग आज एसएसपी साहब से समय लिए हैं और एसएसपी साहब से वार्ता करेंगे कि प्रशासन सक्रिय हो, स्थानीय थाना सक्रिय हो और ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाया जाए जो दिन दहाड़े बेखौफ तरीके से हत्याएं कर रहे हैं और क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार प्रस्ताव दिया था, इसके पूर्व भी एसएसपी साहब थे उस समय भी रखा था, लेकिन स्थिति जस की तस है। आज पेट्रोलिंग गाड़ी जो निकलती है, आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोलिंग गाड़ी में ही पेट्रोलिंग अफसर और फोर्स बैठे रहता है, गाड़ी से नीचे उतरने का उन लोग सोचता भी नहीं है। मुस्लिम धर्म के द्वारा मनाए जाने और रमजान के पाक माह के दूसरे जुम्मे का नमाज शुक्रवार को अदा की गई। जमशेदपुर शहर के तमाम मस्जिदों में इस दौरान सभी इकट्ठा होकर अल्लाह से दुआ मांगी। मुस्लिम धर्म में रमजान के महीने को सबसे पाक माह माना जाता है और इसी माह के अंतिम जुम्मे के बाद ईद का पर्व मनाया जाता है। रमजान के माह में सभी रोजा रखकर सूरज ढलने के बाद रोजा खोलते हैं और यह सिलसिला पूरा एक महीना चलता है। जमशेदपुर रमजान के दूसरे जुम्मे के नमाज के मौके पर सभी मस्जिदों में भारी भीड़ देखी गई। सभी ने अल्लाह से अपने परिवार समाज की खुशहाली की दुआएं मांगी। और अब चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी निपा वायरस को लेकर जमशेदपुर में हाई अलर्ट। भाभी को देवर के कपड़ा देर से देना पड़ा महंगा, देवर ने की भाभी की जमकर पिटाई। को राज्य के मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देंगे आंगनबाड़ी कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ। और शहर में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। दो दिवसीय प्रतियोगिता में 6 राज्य के 190 प्रतिभागी करेंगे शिरकत। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।